अब क्वेश्चन है, द इनपुट स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लेक्सर्स आर D0 इज इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लेक्सर आर D0 इज इक्वल्स टू 1, D1 इज इक्वल्स टू 0, D2 इज इक्वल्स टू 0 एंड D3 इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमें ये मल्टीप्लेक्सर दे रखा है, इसमें हमें क्या स्टेट्स दे रखी हैं, मतलब जो इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, इनकी ये वैल्यूज दे रखी है हमें। ओके, D0 की वैल्यू हमें दे रखी है 1, D1 की वैल्यू दे रखी है 0, D2 की वैल्यू दे रखी है 0 और D3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। ओके, इसके बाद में इफ द डेटा सिलेक्ट इनपुट्स S0 S1 टू द मल्टीप्लेक्सर आर सीक्वेंस्ड एज शोन बाय द वेवफॉर्म इन द फिगर, मतलब हमें S1 और S0 की वैल्यू इस वेवफॉर्म के थ्रू दे रखी है कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। ओके, तो अब हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। देखो ये क्या है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें होते क्या है, 4 इनपुट्स होते हैं और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। मतलब इस मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, इन 4 इनपुट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन में सेंड करना है। ओके, इन 4 में से एट ए टाइम ये सिर्फ किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा, और कौन से को सिलेक्ट करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करेंगी, S1 और S0 डिसाइड करेंगी कि इनमें से कौन सा इनपुट सिलेक्ट होके वहां पर जाएगा। अगर S1 S0 की वैल्यू है 0 0, तो I0, अब यहां पे मैंने यहां पे D0 लिखा है, यहां पे मैं यहां पे भी D0 कर देती हूं। ओके, तो अब देखो अगर इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 है, तो D0 सिलेक्ट होके कहां पे जाएगा, यहां पे, मतलब D0 की जो भी वैल्यू होगी वो सिलेक्ट होके यहां पे जाएगी। अगर S1 S0 की वैल्यू 0 1 है, तो D1 की जो भी वैल्यू होगी वो कहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी। इसी तरह से अगर इनकी वैल्यू 1 0 है, तो D2 की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे जाएगी, और अगर 1 1 है, तो D3 की जो भी वैल्यू होगी वो कहां पे जाएगी, आउटपुट में जाएगी। ये इसकी क्या है, वर्किंग है। ओके, अब इसके बाद में अब यहां पे S1 और S0 की वैल्यू हमें कैसे दे रखी है, इसके थ्रू दे रखी है। अब हमें क्या बनाना है, आउटपुट वेवफॉर्म भी बनाना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी टेबल की, हमें S1 S0 की वैल्यूज क्या दे रखी है। ओके, तो S1 यहां पे ले लिया और S0 हमने यहां पे ले लिया, इसको हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो पहले वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और S0 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ओके, तो दोनों की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 0 है। इसके बाद में इस पॉइंट पर अगर हम आके देखें, तो S1 की वैल्यू क्या हो गई है, 1, लेकिन S0 की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो हो गया 1 0। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो चेंज आया है, कहां पे आया है, यहां पे S0 की वैल्यू क्या हो चुकी है, S0 की वैल्यू हो चुकी है 1, और S1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। तो S0 की वैल्यू 1 और S1 की वैल्यू 0 हो गई है। इसके बाद में अब जो चेंज आया है वो कहां पे आया है, यहां पे आया है, मतलब नेक्स्ट जो है यहां पे, तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या है, S1 की वैल्यू है 1 और S0 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो अब दोनों ही वैल्यूज क्या है, 1 1 है। इसके बाद में यहां पे अगर हम देखें तो S1 की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो S1 की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो S1 की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, और S0 की वैल्यू क्या है, 1 ही है। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे अब क्या हुआ है, S1 की वैल्यू ये जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 0, तो अब यहां पर S1 की वैल्यू 1, तो S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। नेक्स्ट अब यहां पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो S1 की वैल्यू 0 और S0 की तो ऑलरेडी क्या थी, 0 ही थी वैल्यू, तो अब दोनों ही क्या है, 0 0 है। इसके बाद में नेक्स्ट चेंज कहां पे आया है, यहां पे आया है। अब यहां पे S0 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, और यहां पर थे हम, तो यहां पर S1 की वैल्यू क्या है, 0 ही है। ओके, ये पॉइंट भी हो गया। फिर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो S1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, लेकिन S0 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है इस पॉइंट पर। ओके, फिर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अब क्या चेंज हो चुका है, S0 क्या हो गया है, यहां पे आके 1 हो गया है, तो S0 क्या हो गया है, 1 हो गया है इस पॉइंट पर, और यहां पर S1 क्या है, ऑलरेडी 1 ही है, तो S1 क्या है, 1 ही है। फिर इस पॉइंट पर आकर हम देखें कहां पे, यहां पे, तो S0 अब क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और S1 क्या है,
वन है, तो एस जीरो क्या हो गया है, जीरो हो चुका है और एस वन क्या है, वन ही है, ओके। इसके बाद में यहां पर, अब यहां पर लास्ट में अगर हम देखें तो एस जीरो भी क्या हो गया, जीरो हो गया है, और एस वन भी क्या हो गया है, जीरो हो गया है, तो दोनों ही क्या हो गए हैं, जीरो जीरो हो चुके हैं, ओके। अब हमें क्या बनानी है, आउटपुट का वेवफॉर्म बनाना है, ओके। तो आउटपुट क्या है, इसमें हम मान लेते हैं हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ये क्या है, ये इस तरह से इसमें हम आउटपुट को वाई कंसिडर कर लेते हैं, तो आउटपुट क्या है हमारा, वाई है। अब हमें फ्लिप फ्लॉप में क्या पता है कि क्या होता है, जब दोनों सिलेक्शन लाइन जीरो जीरो तो डी जीरो सिलेक्ट होगा, जीरो वन पे डी वन, वन जीरो पे डी टू और वन वन पे डी थ्री सिलेक्ट होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, जीरो जीरो मतलब डी जीरो की वैल्यू आएगी यहाँ पे, वन जीरो इसका मतलब डी टू की वैल्यू आएगी, जीरो वन इसका मतलब डी वन की वैल्यू आएगी, वन वन मतलब डी थ्री, जीरो वन डी वन, वन जीरो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी टू, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री और लास्ट में क्या आ जाएगा, डी जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी जीरो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यूज दे क्या रखी हैं, तो हमें जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है, सबसे पहले डी जीरो के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, वन लिखेंगे क्योंकि वन गिवन है हमें, फिर डी टू है, डी टू की वैल्यू में क्या गिवन है, टू गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो डी जीरो इज इक्वल टू वन, डी टू इज इक्वल, डी वन इज इक्वल टू जीरो, डी टू इज इक्वल टू जीरो एंड डी थ्री इज इक्वल टू वन, ये हमें क्या है, गिवन है। अब यही वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, डी टू इज इक्वल टू जीरो, डी वन इज इक्वल टू जीरो, डी थ्री इज इक्वल टू वन, डी वन इज इक्वल टू जीरो, डी टू इज इक्वल टू वॉट, जीरो, डी जीरो इज इक्वल टू वन, डी वन इज इक्वल टू जीरो, डी टू इज इक्वल टू जीरो, डी थ्री इज इक्वल टू वन एंड डी जीरो इज इक्वल टू वॉट, डी वन, ओके। अब ये आ गए हमारे आउटपुट। अब हमें यही चीज कहां पे बनानी है, ड्रॉ करनी है, यहां पे ड्रॉ करनी है, ओके। तो अब इस टेबल को देख के हम क्या बनाते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जीरो जीरो, देखो दोनों की वैल्यू जीरो जीरो है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, वन मिला, और ये चीज यहां तक मेंटेन रहेगी, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, वन जीरो, वन जीरो पे हमें क्या मिला, जीरो मिला, तो अब यहां पे आउटपुट क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, मतलब इस पॉइंट पे आके जब क्या है, वन और जीरो है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चेंज आया वो कहां पे आया है, यहां पे आया है, यहां पर वैल्यूज क्या है, जीरो और इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, वन हो चुकी, तो जीरो वन पे हमें क्या मिला, जीरो मिला, तो ये जो चीज है ये यहां तक क्या रहेगी, जीरो ही मिली, मतलब ये यहां तक जीरो ही रहा, इसके बाद में ये चीज यहां तक क्या रहेगी, जीरो ही मिली। नेक्स्ट जो चेंज है वो कहां पे है, यहां पर है, यहां पर क्या चेंज हो चुका है, वन वन हो चुका है, वन वन पे हमें क्या मिला है, आउटपुट वन मिला है, तो इस पॉइंट पे आके हमें आउटपुट क्या मिल गया है, वन मिल चुका है, ओके। इसके बाद में ये जो चीज है यहां तक मेंटेन ही रहेगी। इसके बाद में इस पॉइंट पे क्या है, वैल्यूज क्या हो चुकी है, जीरो और वन, तो जीरो वन पे हमें क्या मिला है, वापस जीरो मिल गया है, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा, और ये चीज यहां तक मेंटेन ही रहेगी। यहां पर अब फिर क्या हो चुका है, वन जीरो हो चुका है, ओके, ये वन और ये जीरो, तो वन जीरो पर, यहां पर वन जीरो पे हमें आउटपुट क्या मिला है, जीरो ही मिला है, तो ये जीरो यहां तक क्या रहेगा, मेंटेन ही रहेगा। इसके बाद में इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो एस वन की वैल्यू जीरो, एस जीरो की वैल्यू भी क्या है, जीरो, मतलब दोनों ही क्या है, जीरो जीरो, जीरो जीरो पे हमें क्या मिल गया है, वापस से वन मिल चुका है, तो ये क्या मिला हमें, वन मिला। फिर ये चीज कहां तक मेंटेन रहेगी, इस पॉइंट तक ये चीज क्या रहेगी, मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि यहां पे एक हमें चेंज मिला है, ओके। यहां पर एस वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, और एस जीरो की वैल्यू भी क्या, एस जीरो की वैल्यू क्या हो चुकी है, वन हो चुकी है, तो जीरो वन पे हमें आउटपुट क्या मिला, जीरो मिला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये किस पॉइंट तक, यहां तक ये क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब ये जो चेंज है ये क्या है, वन जीरो है, ये क्या है, वन जीरो है, ओके, हम यहां पर आ चुके हैं, वन जीरो पे क्या है, जीरो है, तो ये जीरो ही रहेगा, और कहां तक जीरो रहेगा, ये इस पॉइंट तक ये चीज क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। फिर यहां पर अगर हम देखें तो S1 की वैल्यू क्या है, वन है, और S0 की वैल्यू भी क्या हो गई है, वन हो गई है, तो दोनों ही क्या है, वन वन है, वन वन पे हमें क्या मिला है, वन मिला है, तो फिर हम कहां पे आ गए, वन पे आ गए।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो चेंज आया है वो कहाँ पे आया है, इस पॉइंट पर आया है, ये चीज यहाँ तक एज इट इज रहेगी। यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो जीरो 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 पे हमें क्या मिला है, वापस वन ही मिला है। तो ये चीज फिर से क्या रहेगी, ये इसी तरह से रहेगी। तो ये क्या आया हमारा आउटपुट वेव फॉर्म।